नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबर का, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार के मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा कांग्रेस लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है। वही बुधवार को भाजपा ने बंगाल बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान कई जगहों पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। वहीं आज भी भाजपा भाजपा ममता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा आज कोलकाता में प्रदर्शन कर रही है और पार्टी ने बताया है कि धरना शांतिपूर्वक होगा। और कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। बुधवार को ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा था और कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि वह आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या ओडिशा नहीं रुकेगी, ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर समेत यूपी के 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया जाएगा। चर्चा यह है कि सपा की तरह बीजेपी भी पासी वर्ग से जुड़े किसी नेता को यहां से उतार सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन कर रहा है। लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मजबूत जाति समीकरण तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में 357,679 वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर्स हैं। यहाँ पर यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मिल्कीपुर सीट का रण लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद के बेटे इस रण में कूदते हुए नजर आएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो दूसरी ओर इस बार भारतीय जनता पार्टी भी टोल मटोल के यानी कि पूरी तरह से जमीनी हकीकत को परख कर इस बार प्रत्याशी उतारने के मूड में है। जहां एक तरफ अवधेश प्रसाद है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चक्रव्यूह तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी पासी कार्ड खेल सकती है। तो वही ये कार्ड कितना अहम हो सकता है, कितना जीत के लिए ये कार्ड अहम हो सकता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का एक दांव हो चुकी है, क्या लगता है कि इस बार पासी कार्ड खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे जो कि अब अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद देखिए ये सीट जो है ये भाजपा और सपा दोनों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। सपा अपनी सीट बचाना चाह रही है क्योंकि यहाँ सपा के जो वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद हैं वो यहाँ से जीते थे, लेकिन भाजपा भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार से हार हुई देश भर में भाजपा की इसमें फजीहत हुई और भाजपा इस बार इस मौके को बनाना चाह रही है और अयोध्या की जो हार है उसका बदला भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जीत के लेना चाहती है। इसीलिए देखिए तमाम तैयारियां कर रही, सीएम योगी खुद इस सीट पे जिम्मेदारी ले चुके हैं मिल्कीपुर और कटहरी की। वहीं सपा ने अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, सांसद अवधेश प्रसाद, अभी ना जाति समीकरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ कौन से वोटर्स है और कितनी तादाद में वोटर्स मौजूद है? बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए, मिल्कीपुर एक SC आरक्षित सीट है और यहाँ पे दलित वोटर्स जो है वो काफी संख्या में, इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों की भी संख्या ठीक ठाक बताई जा रही है। लेकिन भाजपा के जो पूर्व में विधायक रहे हैं बाबा गोरखनाथ, तो उनकी इस क्षेत्र में डिमांड है, ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। भाजपा से उनका नाम काफी तेज है और पब्लिक भी उनके नाम की कई जगह डिमांड करती दिख रही है। तो अगर बाबा गोरखनाथ का वहां से टिकट मिलता है, क्योंकि 2017 में वो वहां से चुनाव जीते हैं, इसके पहले भी वहां सक्रिय राजनीति में रहे, तो निश्चित रूप से वहां पे भाजपा भी मजबूत चुनाव स्थिति में होगी। लेकिन अयोध्या से अभी जो हाल ही में सपा जीती है लोकसभा सीट, तो ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो रण है वो काफी रोचक हो सकता है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।